हाथ में पेंडिंग केक है, मैंने दूध लिया है, मैंने ब्रेड का चूरा लिया है, मैंने वनीला पाउडर लिया है। इस तरीके से मैं चीनी लूँगी इसमें, कंटेनर में इस तरीके से डालूँगी, इसकी छोटी सी चाशनी बना लूँगी। तरीके से चलाते जाएंगे, धीमी ही गैस पे ही करना है। इस तरीके से बनाने, नहीं तो ज़्यादा जलने की खुशबू आएगी ना, तो अपना केक खराब बनेगा। अब कंटेनर लेना है, इसमें डाल देना है। इस तरीके से डाल देंगे। अब मैं दूध लूँगी 1 गिलास, अच्छे से बॉल होने देंगे। अब मैं चीनी डालेंगे इसमें 1 कटोरी, जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप डाल सकते हो। अब मैं वनीला, मैंगो वनीला लूंगी मैं, अच्छे से इसको दूध में अच्छे से पतला सा कर लेंगे, घोल तैयार इसका। अब मैं दूध में अच्छे से बॉल आ चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब धीरे धीरे चलाते जाएंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा। अब मैं ब्रेड का चूरा लूंगी, ये ब्रेड का चूरा है, मैंने ब्रेड को अच्छे से चूरा बना लिया था। अब अच्छे से चलाते जाएंगे, चलाना है नहीं तो इसमें गठानना पड़ जाए। इस तरीके से चलाना है। तरीके से फ्लेवर आ जाता है। अब मैं वही कंटेनर लूंगी जिसमें अपन ने चीनी का घोल डाला था। इस तरीके से कर लेंगे। अब मैं कढ़ाई लूँ, उसमें पानी डालूंगी, उसको जैसे अपन इडली और ढोकला रखते, इस तरीके से 20 मिनट 30 मिनट के लिए पकाना है। इस तरीके से अपना देख लेंगे, एक चिपक नहीं रहा, बन के रेडी है अपना। अब मैं निकालूंगी इसको, इस तरीके दबा के देखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा सॉफ्ट बना हुआ है। अब मैं पलट देंगे प्लेट में, इस तरीके से बहुत टेस्टी और बहुत पेंडिंग बहुत अच्छा बना है अपना केक। इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब मैं काट के भी दिखाऊंगी इस तरीके से, अगर मेरी